पहली बार 4 बरस होने को आ रहे हैं, पहली बार आरएसएस ने कुछ सवाल उठाए हैं, वह भी सरसंघचालक ने, सुनिए जरा। पहले जेब में बटुआ रखना पड़ता था और बटुए में पैसे रखने पड़ते थे, अब जमाना चला गया, बटुए की जरूरत नहीं, आप मोबाइल फोन में ही पैसे होते हैं। हम अगर सारा कैशलेस कर देंगे तो हो नहीं सकता, क्योंकि कैशलेस ऑपरेशन सब लोग अपने देश के नहीं कर सकते। आप लोग कर सकेंगे, लेकिन बहुत बड़ा समाज आपसे कम से कम 2 गुना, वो बाहर है, वो ये नहीं करता। तो संघ के प्रचारक से प्रधानमंत्री बने मोदी की बात को सर संघ चालक ने ही उलट दिया। हम एक सरकार की मलकियत की एयरलाइन चलाएं, उसमें 55,000 करोड़ का सरकार ने पैसा दिया हुआ हो, मतलब उस 55,000 करोड़ से हम अस्पताल चलाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाएं, एम्स खोलें, या फिर उस 55,000 करोड़ से एक घाटे में चलने वाली एयरलाइन। समस्या एयर इंडिया चलती नहीं है कि एयर इंडिया ठीक से चलाई नहीं है। अगर ठीक से चलाई नहीं ये है तो एयर इंडिया को ठीक से चलाने वालों को दे दीजिए, वो भारत का हो, क्योंकि अपने आकाश पर अपना प्रभुत्व किसी भी देश को मंजूर नहीं छोड़ना। और मोदी सरकार ने जिस तरह घाटे में चल रहे एयर इंडिया को बेचने का सपना देखा, सरसंघ चालक ने उसे भी यह कहकर खारिज कर दिया कि ठीक से चलाओ तो चल जाएगा और बेचना है तो देश में ही बेचो। तो क्या मोदी सरकार के 4 बरस बीतते बीतते अब संघ परिवार को लगने लगा है कि अर्थव्यवस्था के जिस रास्ते को मोदी सरकार ने अपनाया है दरअसल वो भटक गई है, या फिर मोदी सरकार के आर्थिक मुद्दों को लेकर विपक्ष कटघरे में उसे खड़ा करे तो संघ ही विपक्ष की भूमिका में आकर विपक्ष की जमीन को कम करना चाह रही है। जो विनिवेश प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि जो एयर इंडिया है इसमें घाटे हुए, लेकिन रोचक बात ये रही कि कभी घाटा क्यों हो रहा है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई छानबीन भी नहीं हुई। हो जो भी, पर बहुमत के साथ बिना किसी दबाव के अर्थव्यवस्था के जिस रास्ते मोदी सरकार निकल पड़ी है उसने संघ के एजेंडे को धराशायी तो किया ही है, जिस एजेंडे को वह देश में लाना चाहती थी, इसीलिए तो भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस और स्वदेशी जागरण मंच बनाया गया, किसानों के सवालों को लेकर किसान संघ बना। लेकिन इन सब के बावजूद रिटेल सेक्टर में एफडीआई से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश का जो रास्ता मोदी सरकार ने जिस तरीके से खोला वो मनमोहन सरकार से भी कई कदम आगे का है। और संघ के सामने संकट यही है कि वो अपनी ही सरकार का विरोध कैसे करे, पर जिस तरह घोटालों से घिरी मनमोहन सिंह की इकोनॉमी को लेकर 2012-13 में सवाल उठ रहे थे और जनता त्रस्त थी, उसी अंदाज में अगर घोटाले रहित मोदी सरकार को लेकर, अगर किसान, बेरोजगारी और बैंकिंग सर्विस तक को लेकर सवाल उठ रहे हैं और जनता त्रस्त है तो फिर संघ क्या करे। यूं राफेल डील को लेकर कांग्रेस कैसे हमलावर है यह भी नजर आया। राफेल में सीधी चोरी की, 45,000 करोड़ रुपए एक उद्योगपति मित्र को दिए हैं फ्री गिफ्ट, एचएल से छीना, बेंगलोर में रोजगार छीना युवाओं से, एक शब्द नहीं कहते हैं। दरअसल मुश्किल ये नहीं कि मोदी सरकार का इकोनॉमी का रास्ता भी वही है जो मनमोहन सरकार का था, संघ के सामने तो सवाल है कि क्या बहुमत के बावजूद मोदी सरकार वो विजन दिखा नहीं पाई जिस विजन पर स्वदेशी की छाप हो, जिस विजन में देसी इकोनॉमी का महत्व हो, जिस विजन में किसान मजदूर को मदद मिले, जिस विजन में उत्पादन बढ़े और देश में रोजगार बढ़े। ऐसे अर्थव्यवस्था आपको खड़ी करनी पड़ेगी, उसके लिए कोऑपरेटिव सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री, कॉमर्स, इन सबका एक समन्वित रूप खड़ा करना पड़ेगा। संघ के सामने असल मुश्किल यही है कि राजनीति के शुद्धिकरण का पाठ उसने चाहे प्रचारकों को पढ़ाकर बीजेपी में भेजा, पर सत्ता की माया और चुनावी राजनीति के जरिए सत्ता पाने की छाया से कोई नेता मुक्त हो नहीं पाया। तो ऐसे में संघ का एजेंडा वाजपेयी के दौर में भी पूरा हुआ नहीं, तब गठबंधन की मजबूरी बता दी गई, अब बहुमत है तो सत्ता गंवाने की मजबूरी बताकर संघ को शांत किया जा रहा है, पर कब तक। हर खबर की लेंगे खबर मास्को स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।